गुड मॉर्निंग श्रोता गणों, तो अभी हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो खबरों का सिलसिले को शुरू करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। प्रदेश में आज लू का अलर्ट, कल से बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश के मैदानी वो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी जारी है। पिछले कल ऊना सहित 10 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। हमीरपुर के नेरी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 जून को भी हीट वेव का येलो अलर्ट है। दूसरी तरफ मैदानी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 14 जून को बारिश का पूर्वानुमान है। पिछले कल राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। 16 से 18 जून तक सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। उद्योगों को बड़ा झटका, 1200% बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज। हिमाचल में मुश्किल दौर से गुजर रहे उद्योगों को प्रदेश सरकार ने एक और झटका दे दिया है। प्रदेश सरकार ने विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज IDC में 1200% तक की वृद्धि कर दी है। वहीं अब IDC को ₹200 प्रति KVA की मानक दर से बढ़ाकर ₹2500 प्रति KVA कर दिया गया है। ये दरें उद्योग द्वारा लिए गए नए बिजली कनेक्शन के लिए लागू हैं और विस्तार करने वाले मौजूदा उद्योगों पर भी लागू होंगी। प्रदेश सरकार के इस फरमान ने उद्योग जगत में खलबली मचा दी है। सिरमौर पुलिस के हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल, उच्च अधिकारियों पर दबाव का आरोप। सिरमौर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद तहलका मचा हुआ है। वीडियो में हेड कांस्टेबल एक मामले में पीड़ितों वो अपने अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है और मानसिक तनाव होने की बात करते नजर आ रहा है। 6:60 के वीडियो में पुलिस थाना कलंब में तैनात हेड कांस्टेबल जसबीर निवासी पांवटा साहिब ने कहा कि पुलिस विभाग में सेवाएं देते हुए उन्हें करीब 16 से 17 वर्ष हो गए हैं और कालंब में सेवाएं देते हुए भी करीब 1.5 वर्ष का समय हो गया है। वहीं वीडियो में 4 दिन पहले हुई एक FIR का जिक्र करते हुए जसबीर ने कहा कि इसमें जो धाराएं लगाई गई थी वो जमानती अपराध हैं, लेकिन मामले के पीड़ित लोगों द्वारा उस पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा न करने पर उसे सस्पेंड करवाने की धमकियां दी जा रही हैं। देश में टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन का सैंपल फेल, CDL कसौली में हुई थी जांच। देश में टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन का सैंपल फेल हो गया है। यह सैंपल जांच के लिए सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी CDL कसौली की प्रयोगशाला में आया था। जांच के दौरान टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन का सैंपल CDL के मानकों पर खरा नहीं उतरा। प्रयोगशाला की ओर से संबंधित कंपनी को बैच के फेल होने की जानकारी दे दी है। वहीं कंपनी को संबंधित स्टॉक बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश भी दे दिए हैं। जबरन शारीरिक संबंध बनाए, फिर सोशल मीडिया पर डाल दिए फोटो। पुलिस थाना सुंदरनगर में उपमंडल की 32 वर्षीय विवाहिता ने घुमारवीं जिला बिलासपुर के एक व्यक्ति पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और नग्न फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शिकायत मिलने के उपरांत पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में विवाहिता ने बताया कि उसकी दोस्ती आरोपित के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 2 वर्ष पहले हुई और वे दोनों आपस में बात करते थे और आरोपित उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके घर आता जाता रहता था। 30 सितंबर तक सीट छोड़ने पर छात्रों को वापस मिलेगी पूरी फीस, ये है फीस रिफंड पॉलिसी। सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक सीट छोड़ने वाले छात्रों की पूरी फीस लौटानी होगी। वहीं 31 अक्टूबर तक सीट छोड़ने पर संस्थान प्रोसेसिंग फीस के नाम पर केवल ₹1000 ही काट सकते हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी जारी की है। इसके मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाए जाने से लेकर मान्यता तक रद्द करने का प्रावधान है। नगर निगम सोलन की महापौर व पूर्व महापौर पार्षद पद से अयोग्य करार, दोनों निष्कासित। नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा और पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर को पार्षद पद से अयोग्य करार दे दिया है, जबकि पूर्व उप महापौर राजीव कोड़ा और पार्षद अभय शर्मा कार्रवाई से बच गए। दोनों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उनकी सदस्यता बरकरार है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दोनों पार्षदों को अब निष्कासित कर दिया गया है। पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर मानहानि से जुड़े दीवानी मुकदमे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर मानहानि से जुड़े दीवानी मुकदमे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। अपराधियों ने दो अलग अलग मामलों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करने से रोकने की मांग हेतु अंतरिम राहत संबंधी आवेदन भी दायर किए हैं। 17 मई को इन आवेदनों पर पहले भी हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुक्खू को नोटिस जारी किया था। नोटिस की तामील की सूचना प्राप्त न होने के कारण हाईकोर्ट ने एक बार फिर से CM सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश राकेश कैंथरा ने प्रार्थियों को नोटिस की तामील करवाने हेतु एक सप्ताह के भीतर जरूरी कदम उठाने के आदेश भी जारी किए। पूर्व विधायकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार बार उन पर कीचड़ उछाला। मांगों को अनसुना कर रही सरकार, पेंशनरों में रोष। HRTC पेंशनरों की मांगों को न तो प्रदेश सरकार सुन रही है और न ही निगम प्रबंधन सुन रहा है। ऐसे में हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों में भारी रोष है। मांगों के अनुसार कार्यकर्मियों समय पर पेंशन मिलने सहित अन्य मुद्दों को लेकर पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की बैठक पिछले कल तारा देवी कर्मशाला में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष KC चौहान ने की। इस मौके पर KC चौहान ने कहा कि सरकार पेंशनरों के मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। न तो पेंशनरों की मांगे पूरी हो रही हैं और न ही पेंशनरों को वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। कहा कि मई माह की पेंशन भी पेंशनरों को 11 जून को जारी की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग निगम बोर्ड का सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन पर निर्वाह करता है, लेकिन निगम वो पेंशन भी समय से नहीं दे रहा है। बिजली कर्मचारियों ने मांगी पुरानी पेंशन, यूनियन ने CM सुक्खू को ज्ञापन सौंप मांगी राहत। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओल्ड पेंशन लागू करने का आह्वान किया है। यूनियन का कहना है कि मौजूदा समय में 6,121 कर्मचारी ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन के दायरे में आते हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का सालाना NPS शेयर 46,23,00,000 रुपए है। इन कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू की जाती है तो इसका कुल खर्च 7,61,00,000 रुपए आएगा। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि इस बारे में पूरी जानकारी पहले ही राज्य सरकार को दे दी गई है। बताया कि प्रदेश के दूसरे सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन को लागू किया जा चुका है, जबकि बिजली बोर्ड कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है। तो ये रही आज सुबह की खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।